जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सेकंड पार्ट इसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था तो मैं चाह रहा था इस पर हमारा तो ये हमें गिवन है हमने ए फाइंड करना है मैंने इसको सी कह दिया इसको मैंने ये ए मुझे उसने बोला हुआ है ए फाइंड करना है और इसको मैंने बी कह दिया सो so ए निकालना तो ए इक्वल आ जाएगा सी उधर जाके इन्वर्स होगा सी इनवर्स बी अब देखें सी इसमें प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इन्वर्स बी पहले आएगा बी से बाद में नहीं आएगा यही इसमें फ़र्क है बस तो so, C इसमें इसको मैंने C बोल दिया इसको मैंने B बोल दिया C इनवर्स मुझे चाहिए मैंने अरजॉइंट C ओवर C डिटर्मिनेंट मैंने इसका बताया था आपको C इनवर्स निकाल लिया और उसके बाद C इनवर्स की वैल्यू इसको पुट कर दिया इसको वन कह देते हैं इसको पुट कर दिया पुट इन वन वन के अंदर पुट किया तो इक्वल आ गया सी इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू और बी से मल्टीप्लाई बी की जगह पे उसकी वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड फर्स्ट रो को सभी से किया फिर सेकेंड रो को सभी से किया थ्री के साथ स्केलर के साथ सब को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास मैट्रिक्स ए जो मैं निकालना चाह रहा था वो मेरे पास निकल आया ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थ्री पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन इसमें हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना चाह रहे हैं ये आएगा तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है सो करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आर कॉस्र फाइव प्लस जीरो और माइनस माइनस प्लस आर साइंस केयर फाइव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो जीरो और जीरो सो इधर तो जीरो आ गया सारे जीरो सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो और कॉलम थर्ड वाला थर्ड कॉलम आर कॉस फाइव साइन फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो प्लस जीरो वो बेशक ना लिखें माइनस आर कॉस फाइव साइन फाइव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो और जीरो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जीरो आर और जीरो सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो और जीरो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आर साइन फाई कॉस फाई और थर्ड रो थी और फर्स्ट जीरो प्लस जीरो और माइनस आर कॉस आर साइन फाइव कॉस फाइ तो इसी का हिस्सा है और सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम ये थर्ड रो है और कॉलम सेकंड वाला जीरो जीरो ये जीरो आ गया इधर थर्ड रो थर्ड कॉलम आर साइन स्केर फाइव प्लस ज़ीरो प्लस आर कॉस केयर फाइव सो ये मैंने कंप्लीट थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली और कॉमन आ गया अंदर रह गया कॉस केयर फाइव प्लस साइंस केयर फाइव जो के इक्वल होता है वन के कॉस केयर फाइव प्लस साइंस केयर फाइव आप इसको मैट्रिक में पढ़ते हैं ज़ीरो ये तो कैंसिल हो गया इधर आ गया ज़ीरो ये भी कैंसल इधर ज़ीरो जीरो ज़ीरो ये इधर से भी और कॉमन आ गया साइन स्केयर फाइव प्लस कॉस स्केयर फाइव ये मैंने जगह कम छोड़ी है ब्रैकेट थोड़ी बाद में बंद करनी चाहिए थी चलें आपको पता है आप ज़रा इसका ध्यान रखना कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल हो गया वन के सो आर मल्टीप्लाई बाय वन बाकी वन आ गया जीरो ज़ीरो जीरो आर जीरो 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 साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर यह भी वन बिल्कुल उसी तरह सो so, इधर भी वन आ गया अब देखें इसमें इसके साथ भी आ रहा है इसके साथ भी आ रहा है इसके साथ भी आ रहा है इधर भी आप लिख सकते हैं जीरो मल्टीप्लाई बाय आर जीरो मल्टीप्लाई बाय आर जीरो मल्टीप्लाई बाय आर क्योंकि आर के साथ तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर तो जीरो ही आना है तो so, हर किसी के साथ बेसिकली नाइन की नाइन एंट्रीज के साथ आ रहा है आर लिखा हुआ है सो so वो स्केलर कॉमन निकाल लेंगे आर कॉमन चला गया बाकी वन बचा आर कॉमन बाकी जीरो 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 वन जीरो 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 वन तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सो इसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ओके थ्री पॉइंट टू हम फिर शुरू अच्छा इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरा हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स लेने होते हैं तो ये सभी के लिए तो ज़रूरी नहीं है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए दो मैट्रिक्स को प्लस करें चाहे ए को बी में या बी को ए में आंसर सेम आएगा इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस कि ए और बी को पहले प्लस कर लिया जाए दो मैट्रिक्स को बाद में सी को प्लस किया जाए या बी और सी को पहले प्लस करके बाद में ए को किया जाए तो आंसर पर कोई फर्क नहीं आता एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ए प्लस जीरो टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास एग्जिस्ट करता है ओ सॉरी ओ मैट्रिक्स है ये एक ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है जिसको ए में प्लस कर दिया जाए तो आंसर ए ही आ जाता है और वो है ज़ीरो मैट्रिक्स तो ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के अंदर पड़ा होता है ठीक है तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में, में प्लस कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े चौथे नंबर पे ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो हर मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स यानी कि एक मैट्रिक्स है टू वन फाइव फोर तो हर किसी के साथ अगर माइनस लगा के एक और मैट्रिक्स नेगेटिव वे बना लिया जाए तो ए में जब नेगेटिव वे को प्लस करें तो आंसर नल मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स आ जाता है अगर दो मैट्रिक्स लिए जाए एम एन बाई एन मैट्रिक्स में एन क्रॉस एन में से मैट्रिक्स दो ए और बी लिए जाए तो उनको मल्टीप्लाई करने से एन बाई एन का मैट्रिक्स यानी कि जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स आप लेके मल्टीप्लाई करते हो स्केर मैट्रिक्स एन बाई एन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो जिस तरह का स्केर थ्री बाय थ्री के अगर आप दो मैट्रिक्स लेते हो तो उनको मल्टीप्लाई करने से थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स ही आता है इसको हम कहते हैं क्लियर ला या क्लोज बी कहते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करती हैं कमोटेटिव ला ए बी इक्वल टू बी ए प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई ठीक है तो ये प्रॉपर्टी जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए ये मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती सो कमोटेटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नॉट होल्ड मैंने इसको एंड पे लिखा भी है नॉट होल्ड ये मैट वैसे तो होल्ड करता है रियल टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू के दोनों दफा आंसर सिक्स लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता एसोसिएटिव ला होल्ड करता है दो तीन मैट्रिक्स को ले लो पहले ए और बी को कर लो बाद में सी को कर लो तो इनको आप चेक भी करें मैट्रिक्स ले लें ले, अपनी मर्जी से लेकिन स्केयर मैट्रिक्स लेने हैं एन बाई एन के थ्री बाई थ्री के ले लो या टू बाई टू के ले लो आसानी से अगर आप चेक कर लोगे और इन प्रॉपर्टीज़ के नाम याद रखने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला विद रिस्पेक्ट टू कि लेमडा को अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें पहले ए और बी को प्लस कर लें बाद में लैमडा से मल्टीप्लाई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या पहले स्केलर से दोनों ए और बी को लेता रहता मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करें आंसर सेम आएगा ठीक है इसी तरह तीन दो मैट्रिक्स को पहले प्लस करके बाद में तीस, तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और ये सारे के सारे नाइन्थ क्लास में उसने क्वेश्चन दिए भी थे आपको आप इनको उधर प्रूफ भी करते थे अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है थ्र, थ्री बाय थ्री के अगर मैट्रिक्स हैं तो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, जीरो, जीरो वन को हम आइडेंटिटी इस तरह इन्वर्स हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एड्वाइंटे ओवर ए डिटर्मिनंट से निकाला जा सकता है लेकिन इस केस में जो मैट्रिक्स हैं तब अंडर मल्टीप्लिकेशन की आप लोग बात करना शुरू करते हो ठीक है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलता है जब आपके पास सिंग नॉन सिंगुलर हो तो इधर आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर उसका होना ज़रूरी है ये बात आप लोगों ने याद रखनी है जिसका नॉन सिंगुलर उनको कहते हैं जिनका डिटर्मिनट ज़ीरो नहीं होता और जिनका डिटर्मिनट जीरो नहीं होता उन्हीं मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकाला जा सकता है उन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अदरवाइज नहीं इन्वर्स ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ए के साथ अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट के इधर भी देखें ए को माइनस ए से क्या दो आंसर आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ज़ीरो मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लीकेशन वन जीरो 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 वन जीरो ज़ीरो कम्पटेटिवला मैंने पहले बता दिया होल्ड नहीं करता उसको मैंने एंड पे भी लिखा हुआ था कि ये इसके अंदर होल्ड नहीं करता सो ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपसे एम सी क्यू उसके अंदर वो पूछ सकता है वैसे क्वेश्चन तो नहीं देगा लेकिन एम सी क्यू उसके नाम ही पूछेगा सो थ्री वन पॉइंट थ्री पॉइंट टू को सॉरी हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे इस लेक्चर में सिर्फ हमने इसे क्लोज कर लिया है अगर कोई इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरा करे जितनी मैंने लिखी हैं तो उसको हम नाम देते हैं वेक्टर स्पेस का तो ये आप वेक्टर स्पेस अपने बड़े लेवल पे जाके पढ़ोगे एम एस सी लेवल पे या बी एस सी लेवल पे आप पढ़ोगे बी एस सी लेवल पे, पे इसको हम शुरू कर लेते हैं सो मैट्रिक्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस पर आते हैं अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी पूरी होती तो फिर हम कहते हैं फील्ड बनाते हैं सो फील्ड की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यही हैं सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी एक ए बी नॉट इक्वल टू बी ए वाली इसमें मिस है सो मैट्रिक्स फील्ड नहीं बनाते क्यों नहीं बनाते क्योंकि ए बी नहीं इक्वल होता मैट्रिक्स में सो आपके उसने पेज नंबर नाइन्टी सेवन पर फील्ड के एग्जियम बी लिखे हैं वो बिल्कुल यही आप उनको रीड कर सकते हैं और पेज नंबर नाइन्टी एट पर इनको लिखा है आप इनको भी रीड कर सकते हैं एक एक दो नंबर का एम सी क्यूज कोई चांस हो सकता है वो पूछ सकता है सो आपको अगर पता होगा तो आपका एम मिस नहीं होगा आप सारे के सारे एम सी क्यूज़ कवर कर सकोगे ओके अल्लाह हाफि